तो चलिए समझते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस टेक वन वेक्टर अलोंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। सपोज दिस वेक्टर इज शोइंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड आई एम शोइंग दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय एस बार। ओके, ये जो एरो होता है ये एरो शो करता है उसकी डायरेक्शन। इस वजह से हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक एरो देते हैं, इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे देखिए और एक बात है, वो बात है मैग्नीट्यूड। सपोज ये हम मेजर करते हैं सपोज, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। ओके गाइस, तो यहाँ पे दो चीजें हमने दिखा दी, एक तो उसकी डायरेक्शन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। ये दो चीज़ें हम कंबाइंडली कैसे मेंशन करते हैं, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एक एरो देते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट लिया था मैंने, ये ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हुआ है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है और इसका मैग्नीट्यूड भी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, पहली चीज है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज है उसका डायरेक्शन। अब देखिए ये जो मैग्नीट्यूड है सिंपली हम शो करेंगे सिंबल, उसके सिंबल से, उसके ऊपर हम एरो नहीं देंगे, उसको कहेंगे हम मैग्नीट्यूड। और दूसरी तरीके से हम मैग्नीट्यूड शो कर सकते हैं, ये वेक्टर है, वेक्टर के बाहर हमने मॉड साइन लिया है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। इस केस में ये कितना होगा, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा 10 मीटर। ओके, और ये जो डायरेक्शन है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल है, सपोज ये जो वेक्टर निकाला है मैंने ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, तो थीटा इज नथिंग बट द डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितनी है उसकी, 0 डिग्री। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसने 0 डिग्री एंगल बनाया है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन है 0 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन टेक अदर वेक्टर, सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड हियर इज द वेक्टर। सपोज this vector is f bar and which is making angle 45 degree with positive x axis. समझो ये फोर्स है 15 न्यूटन का, तो यहाँ पे आप बता सकते हो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज 15 न्यूटन एंड what is direction? डायरेक्शन इज नथिंग बट 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x axis. So that is what its direction is. देखिए यहाँ पे हमने फॉर एन एग्जाम्पल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसकी डायरेक्शन ली है। प्रैक्टिकली हम किसी भी एक्सिस के साथ या फिर किसी भी रेफरेंस के साथ उसकी डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। सो दैट इज वॉट अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर दोज। एंड इफ यू फाउंड दिस लेक्चर सीरीज यूजफुल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।